हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्रोवाइडर में। दोस्तों, आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप ये जानिए, ठीक है, पहला कि यूनिट 1 में, ठीक है, यूनिट 1 में 3 चैप्टर हैं, ठीक है। तीनों तीनों चैप्टर के आज यूनिट 1 को जो है हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 में पहला जो चैप्टर है आपका वो है जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन, ठीक है। और दूसरा जो आपका चैप्टर है वो उसका नाम है प्रवास का प्रकार, कारण और परिणाम। और तीसरा जो चैप्टर है आपका वो है मानव विकास, ठीक है। तो आज जो है हम तीनों चैप्टर जो यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं, यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं, उसको जो है आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, ये जो है यूनिट 1 का पहला चैप्टर है कौन सा, जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। और पहला क्वेश्चन है, सन 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 102.8 करोड़, बी है 318.2 करोड़, सी है 328.7 करोड़ और डी है 2 करोड़, ठीक है। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2001 के अनुसार 102 करोड़, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, ठीक है। चलिए, तो 2001 के अनुसार कितना, 102 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है। तो ये जो है ये भी जानिए कि 2001 के अनुसार ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व तो जो है 903 लोग जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते थे उस समय, ठीक है। और अभी का जो जनसंख्या है पश्चिम बंगाल का वो है 1029 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है 2011 के अनुसार, 2001 के अनुसार क्या है, 903। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो किस नगर जनसंख्या पूछ रहा है, नगरीय जनसंख्या राज्य का, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, ठीक है, और मुंबई में जो है सर्वाधिक लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए, कितना रहते हैं 1 किलोमीटर में, 17,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत के विशालतम भाषाई समूह है, ठीक है। तो भाषाई समूह पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है चीनी तिब्बत, बी भारतीय आर्य, सी ऑस्ट्रिक और डी द्रविड़, ठीक है। तो अपना जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारतीय आर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो है यूनिट 2 आपका शुरू है, ठीक है। यूनिट 2 का क्या था, प्रवास का प्रकार, कारण और परिणाम, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो पुरुष के प्रवास, प्रवास का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन, ठीक है, दूसरे स्टेट में चला जाना, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, काम और रोजगार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी रहते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी हो गया महाराष्ट्र और डी बिहार। तो सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी कहाँ रहते हैं, तो इसमें भी जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे स्थान पर दिल्ली, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है, ठीक है। तो पुरुष प्रधान, ऑप्शन ए है ग्रामीण से ग्रामीण, बी है नगरीय से ग्रामीण और सी है ग्रामीण से नगरीय और डी है नगरीय से नगरीय। तो यहाँ जो है पुरुष प्रधान धारा है, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रवास पुरुष लोग क्या करते हैं, ग्रामीण से नगरीय, माफ़ कीजिए दोस्तों। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह
में प्रवासी जनसंख्या का सर्वाधिक अंश है? तो ऑप्शन ए है मुंबई नगरीय समूहन, बी दिल्ली नगरीय समूहन, सी बेंगलोर नगरीय समूहन और डी चेन्नई नगरीय समूहन। ठीक है, तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंबई नगरीय समूहन। ठीक है, मुंबई में अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक लोग रहते हैं प्रवासी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेट करके लोग कहाँ जाते हैं? मुंबई। चलिए अब देखिए ये जो है अब, और ये आपका चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास क्या हो जाएगा? मानव विकास याद रखिएगा, यूनिट 1 का 3रा चैप्टर है मानव विकास। चलिए तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक जो है 2005 पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन ए है 126, बी 127, सी 128 और डी 129। ठीक है, तो यहाँ अपना ऑप्शन सही क्या जाएगा? 127। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? ए है तमिलनाडु, बी पंजाब, सी केरल और डी हरियाणा। तो उच्चतम कोटि में पूछ रहा है। ठीक है, मानव विकास में सबसे उच्चतम कोटि में राज्य। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही? केरल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? तो स्त्री साक्षरता दर निम्नतम किस में है? देखिए ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है झारखंड और डी है बिहार। तो स्त्री साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, और बिहार में कितना है दोस्तों? तो 33.57। ठीक है, याद रखिएगा 5-7 जो है सबसे कम यहाँ पे है। चलिए अब पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है? ठीक है, 0 से 6 वर्ष में जो है 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है। ठीक है, तो लिंगानुपात जो है निम्नतम किस में हो जाएगा अपना? ऑप्शन देख लीजिए, ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी हिमाचल प्रदेश। तो निम्नतम किस में हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में बहुत कम है, 2001 के अनुसार 800 मात्र था। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 8000 महिलाएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे निम्नतम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी दमन एवं द्वीप और डी अंडमान निकोबार। ठीक है, साक्षरता दर देखिए दोस्तों, राज्य में कौन सा था? यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। ठीक है, और राज्य में कौन सा है? राज्य में केरल। ठीक है, राज्य में केरल, और यहाँ पूछ क्या रहा है? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन? लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए।